वैष्णवे नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्त्वत्यै नमो नमः। भक्ता विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादी तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं। भजामि राधां अरविंद नेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभर गदगदयाद्यवाच जाचिनी पत्यभुवि दण्डवदुर्भटार्ति अश्र प्रसादमुदस्य जनासवित्वा गन्धर्विके निजगणे गणनं विदेहि। अंगश्यामुलभिषटा मुन्दी कितेन्द्रीवरं जड्डं जाचुगुणरुचिसं पट्टं वरसश्रिया भिन्नारुणवासुन्दरसद्दामदिदामोदरं राधास्कन्दनिभिसुलज्जलो भुजं ध्यायं स्तुदामोदरं। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीरूपमञ्जरीकरार्चित पादपद्म गोश्चंदन भुजारविदमस्तकाय हा मुदद कनक गौरी पदारविंदम सन्वहानी सनकैस्तव किं करिष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अवचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोग के निकट दो प्रकार की उपासना के बारे में बताया, एक सारसिक उपासना और एक मंत्रमयी उपासना। सारसिक उपासना के बारे में उत्तम भागवत अष्टकालीन लीला आदि में स्मरण आदि करते रहते हैं कृष्ण की लीलाओं की जो है।
अपने रस के अनुसार कृष्ण की लीला आदि को जो है स्मरण करते रहते हैं। दास सख वात्सल्य और माधुर्य भावों में जिस रस के साधक होते हैं उस रस की स्थायी भाव में आकर के कृष्ण की वह समस्त लीला आदि स्मरण करते रहते हैं। वो स्वाभाविक रूप में चित्त के हृदय वृत्ति वह हो जाता है। जिससे भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य ग्रंथ में ये समस्त भी वर्णन किया है। और विशेष करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ और ललित गोविंद लीलामृत ग्रंथ आदि में ये सब वर्णन करके दिखाया ये किस प्रकार सारसी भावना के अनुसार अष्टकाली लीला भजन पद्धति दिखाया गया। और दूसरी बात मैंने बताया जिसे कहा जाता है मंत्रमयी उपासना। शास्त्र के बाद भागवत के एक एक श्लोकों के लेकर के भगवान के विविध लीला आदि वक्रा आदि जो स्मरण का त्याग करते हैं उसी के कहा जाता है मंत्रमयी उपासना। जिस प्रकार सुंदर रूप में माला गुंथन करने के लिए माला गुंथने के लिए इफ यू मेक द गार्लैंड तो क्या करना चाहिए, बगीचा में सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के फूल को संग्रह करना पड़ता है, कलेक्ट द फ्लावर्स। और इसके पश्चात भावना के अनुसार वह माला गुंथन आदि करें जिससे देखने में सुंदर हो, ठाकुर जी के गले में सुशोभित हो। ठीक उसी प्रकार साधक भजन साधन करते करते भगवान के अनेकों लीलाओं के जो है वो स्मरण करते रहते हैं। दास सख वात्सल्य और माधुर्य श्लोक आदि को वो चिंतन करते रहते हैं। जैसे छोटे एक उदाहरण के द्वारा मैं बताता हूँ, मथुरा में रहने वाली एक फल विक्रयणी क्या करती थी, वो फल बेचती थी। बेचारा नीच कुल में जन्म तो है ही और किंतु ब्रज में सर्वत्र जो है फल बेचते थे और मथुरा के फल बेचते बेचते मानो एक दिन वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर के गोविंद की महिमा को श्रवण किया और उनके मन में एक भावना वासना हुई जो कृष्ण मुझे केवल इतने ही मुझे माँ कह करके मेरे गोद में बढ़ जाए। देखो भगवान की महिमा सुनकर के हृदय में कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो लालसा उत्पन्न होता है यह मन में इतना ही भावना हुई ये कृष्ण एक बार मुझे माँ कहा करके मेरे गोद में बैठ जाए। आज फल बेचने के लिए नंद महाराज की गृह के सामने आ गई और इतने जोर जोर से कहने लगी फल लो अमृत लीजिए केला लीजिए टेक बनाना आम लीजिए एक एक फल को नाम लेकर के जोर जोर से कहने फल लो फल लीजिए आज गोपाल माँ जसदा की आदेश से घर से बाहर नहीं गए क्योंकि हर रोज ब्रज गोपियाँ माँ जसदा के निकट
उलाहना देती है, कंप्लेन करते, देखो तुम्हारी गोपाल हमारे गृह में आकर के तंग करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। क्या तंग करते हैं? उनके घर में माखन चुरा लेते हैं, बंधे हुए बछड़े को क्या करते हैं? खोल देते हैं, छोड़ देते हैं। छोटे छोटे बच्चियां सोते हैं, गोपाल आकर के उसको क्या करते हैं? चिमटी काटते रहते हैं। ऐसे नाना प्रकार के जो है ब्रजवासियों की तंग करते रहते, किंतु माँ जशोदा के विश्वास नहीं होते कि मेरे बालक ब्रजवासी के घर में जाकर के माखन चोरी आदि करें। कैसे करें? माँ जशोदा के गृह में जो मक्खन जो है वो सबसे उत्कृष्ट माखन कहा गया। उत्कृष्ट माखन जानते हो? सबसे श्रेष्ठ माखन, क्योंकि शास्त्र में ऐसे कहा गया नंद महाराज के घर में जो गाय जो है उसको गाय को कहा जाता है पद्मगंध गाय कहा जाता है। जिस गाय के दूध जो है कमल की केसर के भांति सुगंध अपने आप निकलते रहते हैं, ये गाय केवल विश्वभानु महाराज के गृह में और नंद महाराज के घर में और दूसरे के घर में नहीं है। तो कृष्ण के घर में ऐसे सुंदर पद्मगंधा युक्त गाय की दूध जहां पर है, तो कृष्ण दूसरे घर में मक्खन बा दुग्ध जात द्रव्य की कैसे चुराएंगे? इसलिए माँ जशोदा विश्वास नहीं करती ये कृष्ण ब्रजवासी के घर में जाकर के माखन चोरी करें, किंतु हर रोज ब्रजवासी महिलाएं माँ जशोदा के निकट कंप्लेन करने लगे, उलाहना देंगे, तुम्हारी बालक आकर के हमारे घर में ये करते वो करते। और माँ जशोदा जब कृष्ण जब नहीं जाते हैं उस घर में, तो वही ब्रज गोपियां माँ जशोदा के निकट आकर के फिर कंप्लेन करते हैं कि आज तेरे कन्हैया मेरे घर में नहीं आए, क्या बात हुई? देखो कृष्ण जाए ब्रजवासी के घर में ब्रजवासी लोग कंप्लेन करते हैं, और नहीं जाए वो भी कंप्लेन है, क्योंकि गोविंद के इतने सुंदर रूप, इतने सुंदर उनकी वचन भंगी समझो, हाउ टू स्पीक, बोलने के इतने सुंदर तरीका जो है मन को मोहित करने वाले हैं, हृदय के जो है चुराने वाले। गोविंद की मुखारविंद से ऐसे से सुंदर शब्द निकलते हैं जिस कथा आदि सुन करके वो शब्द ब्रजवासियों के हृदय को मानो द्रवीभूत कर देते हैं। अथवा जैसे शिकारी मछली पकड़ने के लिए है वो कांटा के ऊपर को डाल देते हैं और फिर मछली के हृदय में लग जाता है, ठीक उसी प्रकार गोविंद के इतने सुंदर मधुर वचन, ऐसे सुंदर मंद मुस्कान जब तक उसके मुख कमल है, ऐसे सुंदर घुंघराले वाले बाल और ऐसे सुंदर उनकी आंखों, इसलिए ब्रजवासी लोग विशेष करके गोपियां गोविंद के ऐसे सुंदर रूप देकर के मोहित हो जाते, और विशेष करके कृष्ण के सुंदर जो मंद मुस्कान युक्त मुखारविंद हृदय के द्रवीभूत करने वाले, इसलिए ब्रजवासी लोग कृष्ण कंप्लेन करते हैं ये कन्हैया हमारे घर में क्यों नहीं आते, क्योंकि यही यह ब्रजवासी के लक्षण है, क्षणकाल गोविंद के दर्शन बिना नहीं रह सकते। जुगाई तो निवेशनं चकुषा पब्रिशायितं सुन्नय दे जगत सर्वं गोविंद विरहेनो में, शिक्षाष्टमी डर चैतन्य महाप्रभु इसी भावना से इस श्लोक के उच्चारण करें। गोविंद दर्शन में
थोड़ी सी समय देर हो जाती है, आंखों की पलक पड़ने में जितने देर होता है और उतने समय को गोपियां क्या करती है, मानो कितने युग चला गया, कितने ब्रह्मा के दिन अतीत हो गया। इसलिए जुगाय तो निवेशन चक्षुषा पब्रशाई तुम सुन्नाय तो जगत सर्वम गोविंद विरह न में, गोविंद की विरह माने गोविंद से बिछोड़ जाना, क्षणकाल से गोविंद से दूर हो जाना, उन लोग के हृदय में कितना दुख उत्पन्न होता है क्या वर्णन करें। इसलिए जुगाय तो निवेशनम चक्षुषा पब्रशाई तुम सुन्नाय तो जगत सर्वम गोविंदम विरही न में। आइए इसी प्रकार माँ यशोदा विचार करने लगी और गोविंद के विचार कहने लगे, गोविंद तुम आज किसी घर में मत जाओ, हमारे घर में आंगन में खेलकूद करो। आज माँ यशोदा के मानो आदेश प्राप्त करके गोपाल धीर स्थिर हो गए। चलो हर रोज तो कम से कम तो एक बार तो माँ यशोदा के तो आदेश का तो पालन कर लें है। ऐसे विचार करके आज गोपाल अपने गृह में आंगन में कुटीर से क्या करने लगे, गेहूं अथवा धान होते हैं चावल के साथ मानो खेलने लगे अकेला, और कोई उसके मित्र नहीं अभी, अकेला गोपाल अपने आंगन में गेहूं अथवा चावल के साथ खेल रहे। क्या खेल कर रहे, छोटे बच्चा जैसे वो खेलते रहते हैं, बनाते हैं गृह बनाते हैं है? धूल अथवा मिट्टी देख करके गृह बनाते हैं, अनेक प्रकार मिट्टी के बर्तन भी बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार गोपाल गृह में जो आंगन में जो पड़े हुए रखा हुआ है गेहूं अथवा चावल जो है उसके लेकर के घर बनाने लगे है। बालक की स्वभाव है, जब बालक अकेला है क्या करे है? और कभी कभी क्या करते हैं, फिर जो बनाया उसको फिर क्या करते हैं तोड़ देते हैं, फिर पुनः बनाते हैं। परमात्मा पर स्वयं भगवान इसी कहते लीला कहा जाता है। इसके द्वारा भगवान क्या सूचित कर रहे हैं, अनंत विश्व ब्रह्मांड के सृजन करने वाले हुई है और अनंत विश्व ब्रह्मांड के वो ध्वंस करने वाले, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा वही सृष्टि करने वाले हैं, वही जीवों के पालन पोषण करने वाले हैं और वह ध्वंस करने वाले, उनकी इच्छा बिना कोई कुछ काम ही नहीं होते। जिससे कहा जाता है भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलते। तो भगवान कृष्ण मानो आज अकेला माँ यशोदा की गृह की आंगन में बैठ करके यही खेल खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गेहूं के द्वारा घर बना रहे हैं और फिर उसको तोड़ रहे। आज गोविंद मानो शांत हो गए, जो चंचल गोविंद दूसरे के घर में जाकर के माखन चुराने वाले, किंतु आज गोविंद शांत होकर के धीर स्थिर होकर के बस गेहूं अथवा धान के द्वारा घर बना रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं फिर बना रहे हैं। स्वाभाविक बालक के बाप बालक के जैसे स्वभाव वो स्वभाव में आते, और इतने समय वो फल विक्रयणी मथुरा से जो आई है ब्रज में गोविंद दर्शन की लालसा से ठीक नंदा महाराज के घर के पास आकर के जोर जोर से कहने लगी, फल लो, कोई फल लेने वाले हैं फल लीजिए, बस अमृत लीजिए है, केला लीजिए, जोर जोर से कहने, फल लीजिए फल 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 लीजिए।
आज गोविंद की कान में वही शब्द आकर के मान कहेंगे फल लो। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म में तुम्हारे अधिकार है, फल कौन देते हैं? भगवान। कृष्ण विचार करने मैं तो भगवान, आज ये फल देने वाले कौन है? क्योंकि वो शब्द जो आ रहे हैं फल लो फल लो फल ही, गोविंद के मन में यही भावना है, ये मैं ही तो एकमात्र फल देने वाला हूं, और कौन फल देने वाला है? इसलिए गोविंद ने किया कि वह खेल को छोड़ करके बाहर आ गए। बाहर आकर के देखा रास्ते में कोई फल विक्रयणी अनेक प्रकार फल के सजा करके रखे हैं और करें फल लो फल। बाल गोपाल फलों की देख करके सुगंध आदि के द्वारा बालों के मुंह में मानो लार टपकने लगे, ये मैं कुछ फल ले लूं। गोपाल बाहर आ गए, कहते मुझे फल दे दो ना। पर गोविंद के इतने सुंदर स्वर जो है और वही सुंदर स्वर है साउंड जिसके फल विक्रण की कानों के आकर कान में आकर के माने इतने मोहित करने लगे, वो द्रवीभूत हो गए गोपाल की तरफ देखने लगे। और गोपाल कहने लगे मुझे फल दे दो ना। इतने सुंदर सुसर है फल विक्रण के ऊपर देखने लगे गोविंद के इतने सुंदर जो रूप जो है, कहते मुझे फल दो ना। फल विक्रणी केवल उनके तरफ देखने लगे, कुछ समय के बाद कहने लगे देखो बालक मैं बहुत दूर से मैं आई हूं फल बेचने के लिए, और फल बेच करके मैं अपने संसार को मैं चलाता हूं प्रतिपालन करता हूं, पैसा तो दो। गोपाल ने कहा देखो मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, दे दो ना मुझे, जैसे छोटा बालक के जैसे शब्द होते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है मुझे दे दो ना। कैसे फालतू कैसे दे देंगे है? फल विक्रय करे नहीं नहीं तुम्हें इसमें पैसा देना पड़ेगा। गोपाल ने क्या कहा ये तो मैं काल दे दूं, आज हमारे पास नहीं है काल दे देंगे। फल विक्रय नहीं करने लगे ये तुम छोटा बालक हो क्या तुम्हारी याद रहेगा, तुम तो भूल जाओगे है। फल विक्रणी कहने लगी तुम तो छोटा बालक हो, आज तो फल देख करके तुम्हारे मुंह में मनो लार टपक रहे हैं, काल जब मैं आऊंगा आऊंगी तुम तो भूल जाओगे, विशेष करके मैं दरिद्र फल बेचने वाला और नीच कुल में मेरा जन्म है, क्या तुम मुझे याद रखोगे? कृष्ण आंखों से आंसू छलछलाते हुए कहने लगे देखो मैं किसी को बोलते ही नहीं है, थोड़ी सी कोई मुझे दे देते हैं मैं उसको सब दे देता हूं है। वास्तविक सत्य नहीं है कि नहीं, सुदाम विप्र द्वारक में गए थे, क्या चीज लेकर के गए थे? चिड़ुआ है, वो भी ठीक नहीं था माने भुना हुआ था है। और गोविंद ने क्या किया जबरदस्ती उसके बगल से है आर्मपेट से छीन करके एक मुट्ठी दो मुट्ठी खाई, और इतने समय रुक्मिणी देवी कहने लगे प्रभु इतना दे दिया और अधिक नहीं,
तो गोविंद के कुछ भी दे, गोविंद उसके देते हैं। पत्र पुष्पम फलम तोयंग जो में भक्त प्रजच्छति, गीता में भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल कुछ भी सामान्य रूप में मुझे कोई अर्पित करते हैं, मैं साक्षात रूप से ग्रहण करता हूं। और गोविंद के जो कुछ देते हैं गोविंद उसके नाजी कितना दे देते हैं, है? सुना सुदा विप्र तो देना नहीं चाहते थे, किंतु भगवान ने किया कि झपट करके है और उनके बगल में दबा हुआ जो चिड़ुआ था उसको लेकर के खाने में। और देखो सुदा विप्र के कितने विशाल राज प्रसाद बना दिए। तो मानो गोविंद उसी प्रकार ही कह रहे हैं, मैं नहीं भूल नहीं जाते, मैं याद रखू, किंतु फल विक्रेणी कहने लगी देखो आज तो तुम तो छोटा बालक भूल तो जाओगे, कुछ लेकर क्या। गोपाल मन ही मन विचार करने लगे, माँ के आदेश तो थी कहाँ आंगन में रहना, आंगन के बाहर नहीं, किंतु आज तुम्हें माँ के आदेश के मारे उल्लंघन करके मैं आंगन के बाहर रास्ते की तरफ आ गए, फिर दोबारा जाऊं तो माँ जसोदा अथवा मेरे परिचारिका जो है देख लेंगे तो आने ही नहीं देंगे, बातें सत्य की नहीं। आज माँ जसोदा वास्तव रूप में अपने परिचारिका को सखियों के कहना देखो आज गोपाल बाहर ना जाए, तुम लोग ध्यान रखना। किंतु गोपाल जब गेहूं अथवा धान की लेकर के जब वो बनाने लगे, खिलौना बनाने लगे और उसमें मग्न रहे, देख करके सखियां विचार करने आज कृष्ण तो शांत हो गया बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए वो समस्त सखियां अपने आप गोविंद की लीला कथा आदि वर्णन करने लगे, इसलिए वे लोग उस समय से सखियां कृष्ण के ऊपर ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, कृष्ण की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे, ये कृष्ण बाहर नहीं जा रहे, इसलिए कृष्ण भी विचार कर रहे हैं आज माँ के तो आदेश उल्लंघन करके मैं अंगन के बाहर आ गए, फिर दोबारा जाऊं और यदि मेरे माँ के जो परिचारिका सखियां जो देख लें तो आने ही नहीं देंगे, इसलिए कृष्ण बार बार कहने लगे देखो ना दो ना मुझे फल दे दो, काल में पैसा दे दें, किंतु फल विक्रयणी कले नहीं तुमको देना पड़ेगा। गोपाल मन ही मन विचार करने लगे आज पैसा कहाँ मिले, कृष्ण ने किया कि फिर दोबारा आगे और आंगन में जो चावल था गेहूं था ना उसको लेकर के चलने लगे। गोपाल के ध्यान किस में है, फल में है, इतने सुंदर सुंदर फल, उस फल प्राप्ति करने के लिए गोपाल देख रहे हैं हाथ में धान अथवा गेहूं लेकर चल रहे, किंतु देखो बालक जो होते हैं ना उनके उंगली तो ऐसे ही हो जाता है अपने आप, है वो तो ऐसे उंगली के नहीं रखते हैं, उंगली अपने आप क्या हो जाता है स्प्रेड हो जाता है और सारे गेहूं अथवा धान नीचे गिरने लगे। तात्पर्य क्या है, मानो ये लक्ष्मी स्वरूप है, कौन गेहूं अथवा धान, मानो ये मनी मन करने लगे गोविंद हमें क्यों बाहर क्यों करोगे, है हम तुम्हारे आंगन के छोड़ करके हम बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए गोविंद के हाथ से वो समस्त गेहूं अथवा चावल वो अपने आप गिरने लगे हैं। गोपाल की लक्ष्य किस में है, फल में है, और आकर के फल विक्रय कर लो, यही तो ले लो, चावल गेहूं लाई ये ले, किंतु देखा तो उसमें एक भी नहीं है, दो एक दाना मानो
छिटक पड़ा और सारे उंगली से हाथ से सब निकल गए। फल बिक्री नहीं करने कहाँ है तो नहीं कुछ तुम्हारे हाथ में है। चलो तुम पैसा तो नहीं दिया, कम से कम गेहूं अथवा चावल तो दे, चावल तो दे देते। गोपाल ने देखा सचमुच सारे गेहूं सब पीछे रह गया, माने आंगन में पड़ा है। अथवा ये गेहूं चावल ये कहने लगे, हे माँ जसोदे, तुम्हारे बालक गोपाल तुम्हारे आदेश के उल्लंघन करके आंगन के बाहर जा रहे हैं। ये भी एक सूचना होती है। गेहूं अथवा गेहूं क्यों उनके हाथ से निकल गए, गिर गए, ये कहना चाहते हैं, हे माँ जसोदे, तुम्हारे बालक गोपाल तुम्हारे आदेश को उल्लंघन किया है, इसको दंड दो, यही तो कहना चाहते। अथवा ये गेहूं चावल क्या है, लक्ष्मी लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी देवी कहने लगी, मानो हे गोविंद मुझे घर से बाहर मत करो है। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। गोपाल जब ऐसे हाथ करके फल विक्रणी के टोकरी में ऐसे देने लगे तो कुछ है ही नहीं, फल विक्रणी करने लगे कहाँ है तुम। गोपाल लज्जित थे, गोपाल की आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी, आंखों की आंसू वास्तव विचार करने लगे, मैं तो दिया ही है। गोपाल रोते रोते कहने लगे, फल विक्रणी आज दे देना, कल तुमको मैं दे दूँ। बस गोविंद ऐसे सुंदर स्वर सुन करके फल विक्रणी इतना ही कहने लगे, एक काम करो तो एक बार मुझे माँ करके मेरे गोद में आ जाओ। कृष्ण विचार करने लगे, ये फल विक्रणी जाती है और इसके गोद में चले गए कोई देख लिए तो क्या। मैंने कहा मेड सर्वेंट जो मेड जो है वो तो अपने कथा में धूम में सब रमी हुई है, है? गोपाल के तो धन नहीं दिया तो गोपाल ने किया कि बस दे तो कोई तो नहीं देख रहे हमारी तरफ, इसलिए गोपाल ने किया कि उनकी माँ कह के उसके गोद पर बैठे थे। फल विक्रयणी गोपाल को प्राप्त करके बस प्रेम में डूब गए, आनंद की लहरिया। गोविंद के प्राप्त करके किसके हृदय में आनंद नहीं आ जाता, क्यों? गोविंद आनंद स्वरूप है, है? आनंद स्वरूप गोविंद है। गोविंद के दर्शन स्पर्शन चित्त द्रवीभूत हो जाता है। फल विक्रयणी मानो नाजनी कौन सा एक आनंद समुद्र में है गोता लगाया, कौन वर्णन करे, वास्तविक सत्य है। भगवान किसी के गोद में बैठ जाए वो क्या वर्णन करे। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तो इसलिए ध्यान करते हैं गोविंद की चरण कमल अपने हित कमल में प्रकाशित हो जाए, है? इसलिए हमारे रूपों को सही पात्र लिख रहे हैं। यद्यपि समाधि विधि रूपी पश्यति नतब नखाग्र मरीचि है। कृष्ण देव भवंतं वंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे, मन मानस मधुकर मर्पयनी जपद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे। यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, इदमिच्छामि निसम्मत वाच्युत तदपि कृपा अद्भुत वीचि, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे।
यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव न काग्रमरीचि। हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे, यद्यपि समाधि से विधि रूपी पश्यति न तव न काग्रमरीचि। ब्रह्मा भगवान के श्रेष्ठ भक्त कहा गया था, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। ध्यान लगाते हैं गोविंद की, और गोविंद ब्रह्मा जी हृदय कैसे निर्मल है, चित्त में किसी प्रकार मलिनता नहीं। उस निर्मल हृदय में गोविंद की चरण कमल को प्रकाशित करना चाहते हैं, यही तो ध्यान के, ध्यान के तात्पर्य क्या है, अपने इष्ट देव के हृदय में हित कमल में प्रकाशित करना। किंतु ब्रह्मा जी के हृदय इतने निर्मल होने पर भी कभी कभी भगवान अपने चरण कमल के जय ब्रह्मा के हित हृदय में प्रकाशित करते हैं, कभी नहीं करते। इसलिए तो लिख रहे, यद्यपि समाधि विधि रूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। अरे कृष्ण के चरण कमल की नख की चंद्रमा छटा प्रकाशित हो जाए, इसलिए ब्रह्मा जी निर्मल चित्त से ध्यान आदि करते रहते। किंतु कभी कभी भगवान प्रकाशित होते, कभी भी नहीं होते। इसलिए कहते यद्यपि समाधि से विधि रूपी पश्यति न तव नकाग्र मरीचि। मरीचि माने निर्किरण कर, भगवान की चरण कमल की नख भाग, नख अग्रभाग की जो किरण कण छटा कहते वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो। कभी कभी ब्रह्मा के हृदय में वो भी नहीं होते है? मेरे कहने की तात्पर्य है, भगवान की चरण कमल की नखाग्र की जो छटा इतने मधुर है, और उसमें एक आनंद की लहरें चलते हैं, वो कौन वर्णन करे है? आज वो फल विक्रेने नीच कुल के स्त्री है, आज गोविंद के अपने क्या गोद में बैठा लिए है? कितने सौभाग्य, और उसमें आनंद, कितना आनंद है कौन वर्णन करे। गोविंद के हृदय में धारण करने में जो आनंद होता है, वो आनंद कौन वर्णन करे है? आज इसलिए वो फल विक्रेणी गोविंद की अपने गोद में बैठा है, और आनंद की लहर में वो मानो डूब गई है। इसके बाद फल विक्रेणी क्या की, गोविंद के सारे फल को क्या किया, गोविंद के हाथ में दे दिए। अच्छा, यहां पर सारे फल गोविंद के हाथ में कैसे आ गए, गोविंद के हाथ तो इतने छोटा है। बोले यही अपराकिता है, है? हम जड़ बुद्धि आदि के द्वारा इसको विचार कर नहीं पाए। सिर्फ छोटा बाल गोपाल के हाथ में सारे फल कैसे आ गए, इसे कहा जाता है अचिंत शक्ति। अचिंत है, अचिंत किसे कहा जाता है, जो हमारे जोड़ीय मन बुद्धि के द्वारा हम स्थापित कर नहीं पाए। अचिंत खोलू ये भावा तांग स्तर्केन जो जित प्रकृति परवेश अचिंत सलक्षणम। अचिंत शब्द के अर्थ परिभाषा दे रहे हैं, अचिंत खोलू ये भावा स्तंग स्तर्क न जो न जोजित, जो अचिंत वस्तु उसके हम जोड़ीय बुद्धि विचार के द्वारा हम स्थापित कर नहीं पाए है? वो क्या है स्तंग स्तर्क प्रकृति परे, इस जगत की ऊपर की कथा है, अपरागित चित जगत है, जहां पर चित वस्तु रहता है, चिन्मय सब है, हम उसको कल्पना कर नहीं पाए। इसलिए इसी इस विषय में किसी प्रकार संदेह प्रकाश न करें। ये फल विक्रेणी के सारे फल बाल गोपाल के हाथ में कैसे आ गए, संभव
కర్తుం అకర్తుం ఉన్నతకృతం జసమర్థ స భగవాన్ ఇది వాచ్యం. జో హోనే వాళ్ళని ఉస్కే భీ కర్తవ్యం, జో హోనే బిగడనే వాళ్ళే ఉస్కే భీ కర్తవ్యం. కర్తుం అకర్తుం ఉన్నతకృతం జసమర్థ భగవాన్ ఇది వాచ్యం. భగవాన్ తో ఉసీ కే కహా జాతా హై, సబ్ కుచ్ సంభవ హై. ఇస్లియే కిసీ ప్రకార తర్క నా కరే. ये फल बिक्रने की सारी फल कैसे गोविंद के हाथ में आ गए, और इधर गोविंद ने किया कि सारे फल को लेकर के पुनः आंगन में आ गए. और भगवान की इच्छा से उसी समय कृष्ण के सारे मित्रों जो है सुवल सुदाम आदि आ गए. गोपाल ने किया कि सखाओं के जो सुंदर सुंदर फल भोजन कराया है, अपने भोजन किया, खाना माने फल ग्रहण किया और फल को सखाओं के जगह इतने सुंदर. और इधर फल विक्रेणी क्या करने लगे, सारे फल तो गोविंद को दे दिया, खाली वो टोकरी तो खाली था है, और उस खाली टोकरी के लेकर के चलने लगे. फल ले ये शब्द नहीं आ रहे, क्या ले बोले रे, गोविंद लो, गोपाल लो. इस प्रकार भगवान के माधुर नाम लेकर के चलने लगे. कुछ दूर चलते चलते उनकी जो टोकरी बहुत भारी हो गई, फल विक्रेणी क्या की टोकरी को नीचे रखा, देखा क्या वो टोकरी में क्या भरा हुआ है, अनेक जो है रत्न मणि माणिक आदि भरे हुए. क्योंकि गोविंद ने कहा ना, ये मुझे थोड़ी भी कुछ देते हैं मैं उनको ना जाने क्या चीज दे देते हैं. इसलिए फल विक्रणी मानी मन विचार करने लगे, धिक्तांग धिक्तांग, कहां गोविंद के दर्शन, कहां गोविंद के ऐसे सुंदर मधुर सुसर, आज मुझे क्या प्राप्ति हुई, ये रत्न आदि प्राप्त, इससे क्या करेंगे. इसलिए फल विक्रणी क्या करने लगी, सारे रत्न आदि को लेकर के बस जमुना में डाल दिया. बोलो वृंदावन बिहारी लाल, और पागलिनी के भांति सारे ब्रज में गोविंद के नाम लेकर के डोलने लगे है? और अंत में भगवत धाम में ही चले गए. देखो गोविंद के प्रति किसी प्रकार आवेश हो जाए उसे प्राप्ति हो जाता है. एक सच कहानी मैं बताता हूं, ये वृंदावन में एक विवाहिता पति पत्नी सेवा कुंज के पास रहने लगे, एक कोई घर जो है किराए में लेकर के रहने लगे. कुछ दिन वृंदावन वास करने के लिए इच्छा हुई, पति पत्नी दो आई. किंतु कुछ दिनों के बाद उसके पत्नी की देहांतर हो गया, मरे. तब पति अपने पत्नी के विरह में तड़पने लगे, पागल हो गए. इसलिए उनके पत्नी के नाम क्या थी है? ये जस्ट में जिसमें क्या नाम था, वही नाम लेकर के वो ब्रज में घूमने लगे है? जस्ट नाम क्या था, किशोरी. क्या नाम थी, किशोरी. मत किशोरी 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 करके वृंदावन में घूमते रहते थे है, पागल है. एक दिन रात 12-1 बजे गभीर रात्रि में वही सेवा कुंज के पास आकर के किशोरी 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 करके वो रोने लगे.
किशोरी 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 दर्शन दो। रास के समाप्त होने के बाद समस्त सखियां अपने अपने गृह की तरफ चलने लगी। राधा जी भी बाहर आई ललिता आदि की सखियों के साथ। देखा क्या वो व्यक्ति किशोरी किशोरी करके लुटपुट खा। किशोरी किशोरी श्रीमती राधिका कहने लगी ललिते इसको मुझे दर्शन देना पड़ेगा। मतलब क्यों? देखो कैसे मेरे नाम लेकर के कैसे तरफ है। ललिता देवी कहने लगी अरे तुम्हारे नाम है इसके पत्नी के नाम तो किशोरी है। राधा जी क्या बोले? देखो ब्रज में मैं छोड़कर किशोरी कोई हो सकता? बड़ वृंदावन बिहारी लाल है। अरे अजामिल अपने बेटा के नाम रख दिया नारायण, उससे वैकुंठ प्राप्ति हुई तो इसके क्यों नहीं होगा। स्वयं राधा जी आकर के उनको दर्शन दिया। ऐसी भी बहुत कथाएं हैं वृंदावन में, अनेकों कथाएं हैं। बरसाना की कथा सुनाती हूँ। बरसाना जाते हैं ना आप, नंदगांव और बरसाना है, जहां पर ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत। ब्रह्म पर्वत के ऊपर राधे की विलास भूमि क्रीड़ा भूमि है। स्वयं ब्रह्मा जी तपस्या आदि करने लगे और राधा जी के बोले ये हमारे ऊपर आप लीला विलास आदि करें, इसलिए ब्रह्मा जी वहीं पर ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में प्रकाशित है और विष्णु के पास ही विष्णु पर्वत। आप जब जाओगे बरसाना, एक तरफ है ब्रह्म पर्वत और दूसरी है विष्णु पर्वत है, और उसके बीच में जो रास्ता जिसे कहा जाता है सांकरी खोर कहा जाता है, है। शिव जी भी कम नहीं है। शिव जी भगवान को बोले प्रभु मुझे भी कुछ सेवा प्रदान कीजिए, मैं पर्वत होकर जन्म लूं नंद गांव में, आप हमारे ऊपर लीला विलास आदि करें, है। इसलिए उसे कहते हैं क्या नंद गांव में है शिव जी पर्वत होकर जन्म है, और बरसाना में ब्रह्मा जी ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मगिरि ब्रह्म। तो इस बरसाना में की कथा इतनी सुंदर है। बरसाना में एक बनिया था, बहुत संभ्रांत भी, धन संपत्ति सब कुछ है, उनके तीन बेटा था और कुछ समय के बाद उसके पत्नी के देहांतर हो गए। तीनों बेटा की विवाह हुई, तीन बहू आई, बहुत सुंदर है ये, किंतु उनके हृदय प्रसन्न नहीं था है? क्यों? एक तो उसकी पत्नी तो चली गई और उनके पास कोई बेटा, और तीन बेटा तो काम करते रहते हैं है? तीन बहू तो है किंतु उनके साथ ससुर के साथ थोड़ी बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाना परस देते हैं, इतना ही तक बस है भाई, मर्यादा रहते ना। बहू और ससुर में तो एक मर्यादा रहते हैं, घूंघट इतना तक रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा पिताजी खाना खाइए बस, देख रही टेबल पर देख रही चले जाते ना। घर में किसी के साथ हास प्रयास करना कुछ नहीं है। दुकान में जाते हैं, उनके एक दुकान था है, दुकान में जाना फिर दुकान से आ जाए, जीवन एक मशीन के भांति हो गया है, समझ में आ रहा बस। इसलिए वो बहुत दुखित थे। एक दिन कई संत महात्मा उनके घर उनके पास आए, संत महात्मा के देख करके फुट फुट करके रोने लगे। कहे महाराज क्या बताऊं,
मेरे धन संपत्ति सब कुछ है, पुत्र भी गुणवान है, तीन पुत्र थे हैं, और बहुएं जो आई है वो भी अच्छी है, किंतु मन में मेरा दुख यह है मेरे कोई बेटी नहीं है। कम से कम बेटी होते चलो कभी कभी बेटी के घर में चले जाए, बेटी के पास बैठे हैं, किंतु हमारी बेटी नहीं। संत महात्मा कहने लगे देखो तुम बड़े भगवान हो, एक तो तुम्हारे बरसाने में जन्म हुआ है, बरसाना में जन्म लेना एक ही साधन है, और दूसरी देखो बरसाना में सभी लोग राधा जी के अपनी बेटी मानते हैं। आप ब्रिज में जाए नंदगांव और बरसाना में एक दो वैशिष्ट आप देखोगे, सारे नंदगांव के रहने वाले लोग कृष्ण के अपने पुत्र मानते हैं, यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र है, नंद जसोद के पुत्र है, तथापि नंदगांव के सब रहने वाले लोग कृष्ण के भी अपने पुत्र मानते हैं, दूसरे के नहीं। ठीक उसी प्रकार बरसाना में रहने वाले जितने लोग हैं सब राधा रानी के अपनी पुत्री मानते हैं, तो विश्वानु महाराज की पुत्री है, है? निष्ठा उसी प्रकार ब्रजवासी को ऐसी निष्ठा है नंदगांव बरसाना में है। यहां तक भी ये लोग के भावना है जी हमारी बेटी के जो है कृष्ण के साथ विवाह कराए, इसलिए नंदगांव के रहने वाले व्यक्ति ये बरसाने के रहने वाले व्यक्ति कभी नंदगांव के पानी तक नहीं पीते, ऐसे कहते क्यों हमारी बेटी के वहीं पर ब्याह कराए शादी कराए है। देखो प्राचीन काल का जैसे संस्कृति है, एक व्यक्ति हल चला रहे थे, उनकी जो है जमीन जो थोड़ा लंबी था नंदगांव बरसाना तक इधर चला गया, हल चलाते चलाते उनकी जमीन के दूसरी तरफ कहाँ गए नंदगांव की तरफ गए, और इतने कड़ी धूप थी और प्यास से वो मूर्छित हो गए, लोग उसके पानी लेकर के पानी पी, बोले नहीं ये मेरे बेटी बेटी के यहीं पर शादी कराया है। देखो बरसाना के रहने वाले लोगों के हृदय में कितना एक भाव रहता है, ये श्रीमती राधिका केवल वृषभानु महाराज की पुत्री है नहीं, हमें भी पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र है, ये पुत्री है, कन्या है, ये भावना रखते हैं। इसलिए संत महात्मा कहने लगे अरे सेठ जी आप दुखित क्यों हो, आपकी बेटी नहीं है कोई बात नहीं, राधा जी को बेटी मान लो ना, ये तो बरसाना की स्वाभाविक भाव है, ऐसे कह करके संत महात्मा ने सुंदर एक चित्रपट राधा जी के चित्रपट चित्रपट समझते पिक्चर उनको दे दिया। यही चित्रपट के अपने राधा जी के चित्रपट अपने राधा जी के अपने पुत्री मान करके सेवा करनी, देखो सेठ जी क्या करने लगे दुकान में जाने के पहले जाने के अंदर वो चित्रपट की बिल्कुल अपने बिस्तर की सिरहाना पर रखते थे है? जब दुकान में जाने के पहले उन्होंने चित्रपट के राधा जी मानकर उसे आलिंगन कर लेते थे, और फिर जब रात में जब सोते फिर अपने वो चित्रपट के अपने बेटी मान करके है उसके आलिंगन चुम्बन आदि करते फिर सो जाते थे। और देखो कि आश्चर्य की बात है जब सो जाते हैं सेठ जी और स्वयं राधा जी उनके सपने में आ जाती है, सुंदर मंद मुस्कान करते मुस्काना मुस्कान जो मुख जो है लाडली इतने सुंदर है आ जाते है, और मानो इसने भावना जो होती है इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोली रे पाओ में पाओ लिया बाके चमचमा चम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे पाओ में पाओ लिया बाके चमचमा चम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले
मैंने बासे पूछी लाली कह तेरो नाम रे, मैंने बासे पूछी लाल कह तेरो नाम रे। हसस के बतावे मोते राधा मेरो नाम रे, बज के कीर्तन। तो मैंने इसलिए कर दे, देखो सेठ जी जब सो जाते हैं उनके सपने में छोटी सी लड़की है राधा जी आ जाती, इतने सुंदर मंद मुस्कान, इनके सुंदर जो मुखारविंद घुंघराली वाली बाल है और इतने सुंदर आंख है तप्त कांचन गौरांगी है। बस सेठ जी आनंद में बस निद्रा देवी में रहते थे, क्योंकि हर रोज वही राधा जी की दर्शन सपने में आ जाते। अच्छा, ऐसे कुछ दिन चलने के बाद देखो ब्रज में अनेक प्रकार उत्सव चलते रहते हैं है। एक ब्रज की एक रिवाज जो उत्सव में कहा जाता है, उस समय स्त्रियां जो है लड़कियां जो है विवाहित अविवाहित सभी क्या करते हैं, चूड़ियां पहनती है। एक विशेष कोई दिन होता है ब्रज के उसमें जो, तो उसके बहू कहने लगे, सेठ जी की बहू कहने लगे, पिताजी आज हम लोग चूड़ियां पहने। सेठ जी बोले ठीक है, सुनो मैं दुकान में जाने के पहले ही रास्ते में जो मनिहारी है ना उनको मैं बोल दूंगा और वो आकर के तुम्हें चूड़ी पहना दे। सेठ जी प्रातः काल में उठ करके स्नान आदि करके और दुकान के रास्ते में जो दुकान जाने लगे, दुकान के रास्ते में मनिहारी के घर में गए, कहने देखो आज हमारे बहू तीनों बहू हमारे घर में जो बहू है ना है उनको आज चूड़ी पहना दे, किंतु देखिए उसे पैसा जो है मैं दुकान में दे दूँ। बुनिया लोग ना पहले पैसा नहीं देते हैं, अरे कुछ पैसा आ जा आमदनी हो ना इसके बाद देंगे है, बुनिया की नियम होता है। सेठ जी बोले देखो मनिहारी तो 5-6 बजे शाम को 5 और 6 बजे दुकान बंद करने के पहले तो आ जाना है और चूड़ियों के जो पैसा तो ले जाना। देखो मनिहारी ने क्या की, ठीक 10-11-12 बजे घर में आए और तीन बहू आ गई। भाई ब्रज के रीतियाँ होते हैं ना, इतने जो घुंघटी देते हैं, तीनों बहू ने एक एक करके हाथ बढ़ाया और मनिहारी ने क्या की चूड़ी पहना दी। इतने कहते हैं लाल नील लीला पीला कौन से लोग, ब्रज में भी कीर्तन होते हैं है? बहुत सुंदर सुंदर, ब्रज में शोर मचाया सैम चूड़ी बेचने आया। चलो मनिहारी ने किया कि तीन बहू के हाथ में चूड़ी पहना दी, तीन बहू चली गई। फिर थोड़ी समय में एक सुंदर जो बालिका लड़की जो है देखने बहुत सुंदर 5-6 साल की लड़की होगी, देखने इतने सुंदर जो है मंद मुस्कान करते हुए वो भी अपने हाथ को बढ़ा दी। मनिहारी विचार करने के इसी घर की बच्ची होगी से लड़की है। मनिहारी ने किया कि उनके हाथ में चूड़ियां पहना दी। अच्छा, इसके बाद शाम के समय 5-6 बजे दुकान में जाकर के कहने लगे मुझे पैसा दो। सेठ जी बोला अच्छा कितने पैसा हुआ, अरे इतने पैसे आज कर। तो सेठ जी बोले हमारे तीन बहू के तुम तो चूड़ी पहने हैं और इतना ज्यादा पैसा क्यों मांग रहे हो। मनिहारी कहने लगे नहीं तीन नहीं मैं 4 को पहना। सेठ जी बोले हमारे 4 में तो हमारे घर में तो है ही नहीं, मेरे तो बहू तो कब चलेगी और तीन हमारे कौन पहने। तीनों के पैसा दे दी, मैंने तीन बहू के जो चूड़ियां जो पहनी उसको पैसा दे दी। मनिहारी घर आ गए, सेठ जी भी घर घर में आए हैं, उस दिन बहुत थके हुए थे हैं इसलिए
कुछ भोजन करके अपने शयन कक्ष में गए, देखा क्या, जो राधा जी के जो चित्रपट है ना, उस चित्रपट के सामने कुछ चूड़ियां जो है बिखरे पड़े हुए हैं। सेठ जी विचार करने लगे, जो मनिहारी आज आकर के हमारे बहू की चूड़ी पहनाए, शायद हमारे बहू जो मुझे दिखाने के लिए ये चूड़ी यहां पर रख रही है। सेठ जी थोड़ा परिश्रांत थे आज मानो, इसलिए पूछा ही नहीं है, बहू के किसी के पूछा ही नहीं। इतने ही वो चिंतन करने लगे, ये मेरे बहू जो है, ये लोग ने किया कि मुझे दिखाने के लिए यहां पर चूड़ियां रख दी। अच्छा, सेठ जी जैसे नित्य प्रथा, जैसे कर्म आदि करके सोते हैं, नित्य कर्म आदि करते हैं ना, ध्यान आने जो कुछ करके सो गए। किंतु आज सपने में राधा जी नहीं आ रही है। हर रोज तो बस आंख बंद करने के साथ ही साथ राधा जी सपने में आ जाती है, और सारी रात राधा जी के साथ जैसे बात है, मंद मुस्कान, राधे के इतने सुंदर स्वरूप वो आ जाते है, किंतु आज नहीं आ। सेठ जी बार बार करके, राधे तुम आज क्यों नहीं, बेटी क्यों नहीं आ रही, कहां हो, ये सब सपने में चल रहे। सेठ जी बार बार करने लगे, राधे बेटी कहां गई आज है। कुछ समय के बाद फिर सेठ जी सपने में देखा क्या, राधा जी थोड़ी दूर में मानवती होकर के और गंभीर भाव से आंख छलछलाते हुए खड़ी हुई। सेठ जी बोले, राधे क्या बात हुई, बार बार कहने पर कुछ उत्तर नहीं दिया राधा जी है, ये सब सारे सपने में उड़े। सेठ जी बोले, पहले बेटी क्या बात हुई है, हर रोज तो मेरे पास आ जाती हो, तुम आज इतने दूर में क्यों हो, क्या बात हुई, तुम्हारे मन में दुख है कुछ, क्योंकि तुम्हारी आंखों से आंसू छलछला रहे है। राधा जी ने क्या कही है, मान भरी बात शब्द होता है, क्या बोलते, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, बोलो, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया। ये तो सरल हिंदी है, मुझे तो बेटी मान लिया किंतु नाता नहीं निभाया, बहू की याद करी बेटी याद नहीं है। अपने तीन बहू के तो याद कर रही, हमारे घर में तीन बहू छोड़कर चूत के, अरे तुम्हारे घर में मैं तुम्हारी बेटी के रूप में, ये तुम चिंता नहीं किया है, इसलिए कहते बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं। स्पष्टीकरण कर दे राधा जी, तीन बहू की याद की और बेटी को याद नहीं, तीन बहू के चूड़ियां पैसा दी मेरे पैसा नहीं दी, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया है। तीन बहू के चूड़ियां के पैसा तो दे दिया और मैं तुम्हारी बेटी हूं, मेरे पैसे क्यों नहीं दिया। देखो राधा जी मान है, राधा जी इसी प्रकार के हैं। सेठ जी विचार करने लगे, वास्तविक सत्य है। मनिहारी ने कही, मनिहारी ने कहा क्या, कहा, या आपके घर में चारों स्त्रियों को मैंने चूड़ी पहना,
तुम तीन बहू की याद करी और मुझे याद नहीं किया है? इसे कहते बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं है। सेठ जी समझ गए, रोते रोते सेठ जी कहने लगे बेटी मेरा भूल हो, मेरा भूल हो गया बेटी है, मुझे क्षमा कर दो है। फिर कुछ समय के बाद राधा जी आ गई, अच्छा ठीक है। इतने समय नींद टूटी, नींद टूटने के साथ साथ सेठ जी देखा आधी तक उनके आंखों में आंसू है, देखा क्या वो चित्रपट के सामने जो वो चूड़ियां पहनी पड़ी हुई है। सेठ जी ने किया कि जल्दी जल्दी उठ करके बस मणिहारी के घर में गए और मणिहारी के घर में जाकर के कहने लगे मणिहारी तू पैसा ले ले, मेरे तीन बहू के तुमने तो चूड़ी पहना और एक जो है वो मेरी बेटी राधा जी थी। मणिहारी कहने लगे नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। सेठ जी कह लगे नहीं नहीं तुम्हें पैसा लेना ही पड़ेगा। इसके पश्चात सेठ जी ने किया कि उनके जबरदस्ती पैसा दे दिया है। और पैसा देने के जब गृह में आए चित्रपट के सामने जो चूड़ियां जो पड़ी थी देखो है ही नहीं, वो कहां गायब हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है, यही तो बरसना है, है? ये ब्रज ऐसे एक सुंदर धाम है जहां पर कृष्ण के ऐसे लीलाएं होती है। स्वयं राधा जी साक्षात रूप में देखो ब्रजवासी के निकट कैसे अपनी पुत्री के रूप में प्रकट होती है। अनेक ब्रज में रहने पर इसमें तो अनेक कथा आपको सुनाई पड़ेगी है। आज तक भी ब्रज में ये कहानी भी है बरसाने की कथा जो है मैं बताया है, लोक प्रचलित कीर्तन भी है, ये सत्य है। भजन साधन उसकी कहा जाता है। तो मेरे कहने की यह तात्पर्य जो है देखो मंत्रमयी उपासना के द्वारा है साक्षात रूप में भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए दो प्रकार की उपासना में बताया, एक मंत्रमयी उपासना और दूसरी साधुषी की उपासना। इसी कहते हमारे भजन पद्धति कहा गया है। नाम ग्रहण करते करते, नाम चिंतन करते करते और ये समस्त लीलाओं को चिंतन करें है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वर्षना धाम की जय, विश्वानु महाराज की जय, कृतिका सुंदरी देवी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राम। ये मृदंग है कोई बजाओ। ओ छोटी सी किशोरी गाना में डोले रे, छोटी सी किशोरी पाओ में पाओ लिया बाकी छम छमा छम बोले रे, पाओ में पाओ लिया बाकी। ओ छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डाल रे, छोटी सी किशोरी में ओ मैंने बासी पूछी लाली कहा तेरो नाम रे, मैंने बासी पूछी लाली ओ मैंने बासी पूछी लाली कहा तेरो नाम रे, मैंने बासी अरे हस हस के बता भी मोते राधा मेरो नाम रे,
सास के बता भी मोटे राधा में रोना, छोटी से किशोरी मेरी अंगना में डोले रे छोटी। ओ पाओ में पावलिया बकी छमछमा छम बोले रे, पाओ में पावलिया बकी ओ छोटी से किशोरी मेरी अंगना में डोले रे। ओ मैंने बासी पूछी लाली कहाँ तेरो घर रे, मैंने बासी हाय इसके बता भी मोते बरसन मेरो घर रे, हसास के बता भी मोते सुना मेरो घर। ओ छोटी से किशोरी मेरी अंगना में डोले रे, ओ मैंने बासी पूछी लाली कहाँ तेरो ससुराल रे, मैंने बासी पूछी लाली ओ मैंने बासी पूछी लाली कहाँ तेरो ससुराल रे, मैंने बासी हर शर्मा का के बोले मुझसे जाबड़ गाँव ससुराल रे, शर्मा का के बोले मुझसे ओ छोटी से किशोरी मेरी अंगना में डोले रे छोटी से। ओ मैंने बासी पूछी लाली कौन तेरो भरता रे, मैंने बासी ओ मैंने बासी पूछी लाली कौन तेरो भरता रे, मैंने बासी पूछी लाली कौन तेरो भर। अरे मुस्कुरा के बोले मुझसे बासी पूछी लाली खाओ की रामाकान, मैंने बासी पूछी लाली और आहा आहा बोले मेरी आग पीछे, आहा आहा बोले मेरी ओ छोटे से किशोरी मेरी मना में चले रे। ओ चंगा सखी भज माल कृष्णा छवि, भगवान कृष्ण सभी सपनों में आके मुझे मीठी मीठी बोले, सपनों में आके मुझे मीठी मीठी बोले ओ छोटी से किशोरी मेरी अंगना में डोले रे, छोटी से किशोरी मेरी ओ पाओ में पावलिया बकी चमचमा चम बोले रे, पाओ में पावलिया बकी ओ छोटी से किशोरी मेरी अंगना में डोले रे छोटी से। Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare,
పూజ్యపాద భక్తి వేదాంత అనుగో